ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल एवरीवन। सुबह क्या हो रहे हैं 3:47 और हम घांगरिया से निकल रहे हैं गुरुद्वारे के लिए हेमकुंड साहिब। और हमारे साथ है चार भाई हमारे, तो पूरे 5 हीरो यहाँ से निकल रहे हैं। पहले रवि भाई, दूसरे हमारे केदारी भाई, तीसरे उदित जो हमारे साथ हैं शुरू से, और पाँच हमारे सरदार जी। सरदार जी हमें आज कमांड कर रहे हैं। ये यहाँ 2 चक्कर हो गए आपके ना, वहाँ से ऊपर से कर लिया था एक, कल पहले जा चुके हैं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे बर्फ बुरफ की कैसे आ रहा है? वहाँ पर ठीक है, मतलब कि ग्लेशियर तो है। हाँ, तो जितनी जल्दी निकल जाए उतना ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी हो जाता है। हाँ, जैसे जैसे सनराइज होता है बर्फ पिघलती है, तो फिर इट्स बेटर टू गो एज अर्ली एज पॉसिबल और वहाँ से मत्था टेक के फिर सेफली आ जाए यहाँ पर, ज्यादा अच्छा। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि 11-12 तक हम वापस आ जाए, है ना। 12 तक टारगेट है वापस आ जाए, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं। तो उम्मीद हमने वैसे सोचा तो था 3 उठ के और 4 तक निकलने, और ऑन टाइम ही कुछ जा रहे हैं, ऑन टाइम कोई ज्यादा लेट हुई नहीं हमारी। मतलब केदारी भाई जो उठ गए, है ना, केदारी भाई से उठ गया वो, उनकी थोड़ी तबीयत भी खराब है पर फिर भी उठ गए, उन्होंने हिम्मत दिखाई। चलो भगवान ने हिम्मत दिखानी है। ऊपर ग्लेशियर के, है नहीं, यहाँ पे ग्लेशियर वगैरह शुरू होते हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको। बाहर तो अंधेरा ही है, काश देख पाता। सामने एक बहुत मजेदार ग्लेशियर से वाटरफॉल आ रहा है। उदित दिख रहा है ना? उदित भी नहीं दिख रहा। अभी टाइम 4:45। हाँ, तो अंधेरा बहुत है यहाँ पे, आते हुए दिखते हैं आपको, कोई मजेदार चीज़ें दिखाएंगे सारी। छः बज के बाईस हमें हो गए लगभग 2.5 और हमने कवर कर लिया 3.5-4 किलोमीटर। ये मैं आपको शुरू हो रहा ना, ये ग्लेशियर आप देख लीजिए, उससे हजारों लोग ग्लेशियर में जा रहे हैं देखिए। और घांगरिया है, यहाँ से नीचे दिखेगा नहीं, वो वैली है जो, वो घांगरिया, वहाँ से हमने शुरू किया था चलना सुबह 4 बजे। ये टेंट जो ब्लू टेंट है इसके नीचे अभी दिखेगा नहीं, आगे ग्लेशियर में मिलते हैं आपको। वहाँ पे क्या हाल है? हो गया जी यहाँ से शुरू ग्लेशियर। अब 2 किलोमीटर ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली। लो जी पहला कदम ग्लेशियर पे ये रख दिया। यहीं पे ही है, तब चलेंगे दूसरी जगह। नीचे कहीं था जहाँ से आज दिख नहीं रहा। अभी भी 2 किलोमीटर और है यार। Dried out tears of sorrow.
हाँ उदित अभी तो कैसा है? है अभी तो कैसा लग रहा है? अभी ये ग्लेशियर का ट्रैक हमने पीछे किया था, अभी ये एक और है ग्लेशियर ट्रैक, ये और जैसा अभी यहाँ शुरू होगा, ये आगे तो आगे तक ग्लेशियर का ट्रैक है। आराम से 2 किलोमीटर के आसपास है ना? 2 किलोमीटर पीछे भी शुरू हुआ था, अभी आगे और भी है 2 किलोमीटर ऊपर। हाँ अब पूरा बर्फ ही ऊपर जाती है। ये इधर जहाँ ये आपको बिजली का पोल दिख रहा है, इधर आना है, जहाँ बिजली का पोल दिख रहा है ना, इधर इस साइड आना है। वहाँ तक ले, वहाँ तक दाजू पूरी मदद करना, वहाँ से सीढ़ी से ले जाओगे, वहाँ तक ले जाओ, वहाँ तक ले जाओ। वाहेगुरु ओए, ये है ग्लेशियर ट्रैक जैसे आप देख सकते हैं। वाहेगुरु 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 जी। नहीं तो अगर इसमें उतर गया ना तो सीधे घांगरिया गांव ही पहुंचेगा, वो भी कुछ ही पहुंच पाएगा, वो पूरा नहीं पहुंच पाएगा। उस सामने अगर देख पा रहे होंगे, और ये पहली धूप चेहरे पे, मजा आ रहा है। ये तो ठंड से बुरे हाल हो गए थे, प्राण बच गए। सही लग रहा है नहीं? आपको नीचे देखो जरा, जितनी दूर तक दिख रहा हूँ सारे के सारे लोग लगे हुए है नी, और जहाँ से हम आए वो तो पता नहीं, वो इस पहाड़ी के पीछे है। अभी हम पे लगभग 1 किलोमीटर है नी, 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास है, पर देख भी सकते हैं। जहाँ ये सूरज दिख रहा है बस इसके पीछे जाना है। जैसे बोलते हैं रेल बनना, बन गई।
उदित की हाइट 5-10 के आसपास है, 5-9, और ग्लेशियर को देखोगे तो आराम से 6 फीट से ऊपर है, 7 फुट के आसपास होगा और ये दोनों साइड। तो दिक्कत जो यहाँ पे है, चढ़ाई तो है ही मेन, ये ग्लेशियर और यहाँ की ठंड। क्योंकि ग्लेशियर के बीच से जाना पड़ रहा है। जो 10वें गुरु साहिबान है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, हाँ, उनके जो पहले जो जन्म में आए थे तो वहाँ पे यहाँ पे आकर उन्होंने तपस्या की थी, बहुत नाम जपा था। हाँ जी। तो इस जगह को फिर बाद में यहाँ पे एक जो नीचे गागरी है, हाँ, वहाँ पे एक सिंह रहता था आके फौजी, हाँ, उसके फिर सपने में गुरु साहब आए, वो भी बहुत नाम पाठ करता रहता था। हाँ। तो वहाँ पे मरा स्थान है, वहाँ पे जाके गुरुद्वारा बनाओ। अच्छा। तो उसके पहले वो उसने फिर यहाँ पे आया, काफी दिन उसको मिला नहीं, फिर मिला जाइए जगह स्थापना हुई। फिर 1930 के बाद ऐसे कुछ में, हाँ, फिर यहाँ पे यात्रा शुरू हो गई। या नहीं, अच्छा, जो सिंह जी थे उन्होंने यहाँ पे ढूंढा था जी, एक सिंह है वहाँ पे, यहाँ पे वो दरख्त नहीं है नीचे एक पेड़ है, हाँ, उसके बीच में रहते थे, हाँ, वहाँ से रोज आते थे यहाँ पे। अच्छा। देखने उन्हें सपना आता था कि भाई यहाँ पे है कुछ, उन्होंने एक दिन गुरु साहिबाना जो हमारे वो सपने में आके कह गए थे कि हमारी यहाँ पे जगह है, वहाँ पे गुरुद्वारा बनाओ जाके। तो फिर उन्होंने जगह ढूंढी, मिल गई, यहाँ पे फिर गुरुद्वारा साहिब बनाया। तो यात्रा पे आ रहे हैं लोग, अद्भुत नजारा, अद्भुत हिम्मत ही है जी, हाँ, इतने दूर से आना। हाँ, ये एक अंदर कुछ होगी, कुछ एक हिडन ताकत है, एक विश्वास, एक ताकत है, जिसकी वजह से ना लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आके सारी थकान गायब। कुछ थकान नहीं है, देखो।